आप हमेशा याद रखिएगा, इंसान से जीत सकते हैं, प्रकृति से नहीं। महाराष्ट्र पहाड़ों से घिरा हुआ है, जंगल और पहाड़ है। आप जंगल पहाड़ में आप उसी से उससे नहीं जीत सकते जो वहीं का है। छत्रपति शिवाजी, कुल मुगलों का भूत उतार दिया कौन? छत्रपति। देखिए शिवाजी के महान शासक भी आए हैं। शिवाजी को इतना महान क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत बड़े परिवार में नहीं जन्म लिए थे। औरंगजेब इसलिए बने क्योंकि शाहजहां के घर में जन्म लिए थे। बाहर रहते थे, क्या कर रहे होते किसी को नहीं पता। हाँ, बाबर में आप कहिएगा कि बाबर ससुराल उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना कि इतिहास में भी ना राजनीति घुस गया है। इतिहास इतिहास की तरफ पढ़ना चाहिए। कुछ तो था ससुराल के अंदर युद्ध नीति जो इतना बड़े देश को कब्जा कर लिया। समझ आ गया कि नहीं गया? दुश्मन से भले कुछ भी कीजिए, लेकिन उसकी नीतियों को आप ध्यान से समझिए कि किया क्या हो। इतने बड़े विशाल देश को 14 साल का लड़का आके गद्दी पे बैठ गया, कौन बुला दिया यहां पे? अरे इतने विशाल देश में हम लोग से कुछ गलतियां हो गई कि नहीं हो गई? उसका भुगतना पड़ गया। आई गलती को सुधारे कौन? शिवाजी। कहा आओ बबुआ तुम यहां पे। औरंगजेब का भूत उतार दिए महाराष्ट्र में आप, क्योंकि वहां पहाड़ है, वहां जंगल है, दूसरा कोई जीत नहीं सकता। यही गलती कर दिया कौन? अमेरिका। उतर गया अफगानिस्तान में तालिबान को मारने, वहां भी पहाड़ है, जंगल है। आओ बबुआ तुम आओ यहां पे। वो बेचारा अमेरिका के फौजी प्यास लगे तो बिस्लरी का पानी पिएगा सब। ओ माय गॉड, आई एम थ्रो थर्स्टी, नो वाटर, व्हाट विल आई डू। आओ सो जब वो अफगानिस्तान वाला कहीं पानी पी लेगा सब, झरना होना कहीं पे भी, पहाड़ में कहीं पे, पहाड़ में चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। हार गए वो लोग भी। तो पहाड़ पे आप नहीं जीत सकते। नेपाल को क्यों नहीं गुलाम बना पाया? कौन सी करेगा गुलाम बना के? पहाड़ पे पत्थर तूरेगा बैठ के? आगे का क्लास कल समझेंगे।